मैं हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लाइन न्यूज पर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद अब शिल्पा शेट्टी भी काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगी। वहीं आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों ही काफी पहले शादी के बंधन में बंध गए थे और दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। वहीं आपको बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और 23 जुलाई तक वो पुलिस हिरासत में रहेंगे। जी हाँ, तो राज कुंद्रा फिलहाल तो जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो अपने आलीशान बंगले में रहते थे। आज उसी आलीशान बंगले को लेकर हम बात करने वाले हैं, उसी आलीशान बंगले की कुछ खास बातें आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अपनी लग्जीरियस लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे। फिलहाल तो राज कुंद्रा अभी जेल में हैं और जेल की हवा खा रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों तक जेल की हवा खाएंगे। 23 जुलाई को ये बात सामने आएगी कि ये कस्टडी और बढ़ती है या उन्हें रिहाई मिलती है। जी हाँ, लेकिन ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल हम राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उनका घर कहाँ है और कितने का है, कितने करोड़ों के घर में ये लोग रहते हैं और कितनी लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में घिरे बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यानी कुछ दिन राज कुंद्रा को आलीशान बंगले में नहीं बल्कि पुलिस के लॉकअप में गुजारने पड़ेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि राज कुंद्रा एक आलीशान घर में रहते हैं, उनका घर किसी राजमहल से कम नहीं है। जी हाँ, तो शिल्पा का घर किनारा बॉलीवुड हस्तियों के सबसे महंगे घरों में तीसरे नंबर पर आता है। उनसे पहले अमिताभ और शाहरुख खान का घर मन्नत है। शिल्पा के घर में एक बड़ा खूबसूरत बार है जिसे देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना लेविस है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी अक्सर अपने लग्जीरियस घर की फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, चाहे वो योगा करते हुए हो या बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। फैंस को उनकी हर फोटो पसंद आती है। वहीं उनके घर में बेहद खूबसूरत डाइनिंग एरिया भी है जिसमें एक साथ कई लोग खाना खा सकते हैं, यानी एक छोटी मोटी पार्टी तो आसानी से हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि शिल्पा ने अपने पूरे घर में बहुत ही बोल्ड कलरों का यूज़ किया है। लिविंग एरिया भी बेहद खूबसूरत है। घर के कोने कोने में एक्सपेंसिव एंटिक दिखाई देती है। जी हाँ, वहीं गार्डन एरिया में योगा करती हुई शिल्पा की कई तस्वीरें हम सबके सामने आ चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज कुंद्रा 9 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। उनका करोड़ों का कारोबार है और वह महंगे तोहफे देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी शिल्पा को करोड़ों के विला भी गिफ्ट में दिए हैं। इन्हीं में से एक है उनका मुंबई वाला बंगला जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। शिल्पा शेट्टी का एक सपना था जिसे राज ने पूरा किया। उन्हें मुंबई में एक सी फेसिंग विला चाहिए था। जी हाँ, शिल्पा ने पति राज कुंद्रा, बेटे वियान कुंद्रा और बेटी शमीशा के साथ मुंबई के जिस घर में रहती हैं वह अंदर से आलीशान दिखता है और सभी सुख सुविधाएं उसमें मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिल्पा और राज के सी फेसिंग वाला का नाम किनारा है और ये काफ़ी खूबसूरत भी है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी योग के वीडियोस बनाती हैं। ये तस्वीर उनके गार्डन एरिया की दिखाई देती है जहाँ बैठकर वो हमेशा योग करती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज का ये घर किसी राजमहल से कम नहीं है। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में फंसे राज कुंद्रा के पास अथाह संपत्ति है। जी हाँ, वो और उनका परिवार काफ़ी लग्जरी लाइफ जीता है। शिल्पा शेट्टी अक्सर अपने घर की इस जगह की तस्वीरें भी शेयर करती है। कभी वो यहाँ बैठकर चाय पीती दिखाई देती हैं तो कभी किताबें पढ़ती दिखाई देती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिल्पा और राज के बंगले की कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर का लिविंग एरिया काफ़ी आलीशान है। वहीं शिल्पा के घर में एक बड़ा खूबसूरत बार भी है
जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना आलीशान हो सकता है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का ये बंगला हर मायने में खास है। यहाँ के इंटीरियर, गार्डन सहित हर एरिया को खास तरह से तैयार किया गया है। यहाँ लाखों के झूमर भी लगाए गए हैं। शिल्पा शेट्टी के घर का किचन तो इतना आलीशान है कि इससे आपकी नज़रें ही नहीं हटेगी। शिल्पा ने फूड के कई वीडियोज़ यहीं से पोस्ट किए हैं। वहीं शिल्पा के घर में बहुत बड़ा जिम भी है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ वर्कआउट करती हैं। उनके जिम में सारी मशीनें भी हैं। राज कुंद्रा अक्सर वर्कआउट करते हुए अपनी वीडियो भी शेयर करते हैं। शिल्पा ने अपने घर में काफ़ी आर्ट वर्क करवाया है। उनके घर के एक कोने में घोड़े की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, जिसे देखकर उनके घर में वास्तु की झलक दिखती है। वहीं शिल्पा और राज के घर के डाइनिंग एरिया भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर आसानी से पार्टी की जा सकती है। डाइनिंग एरिया में कई लोग साथ में बैठकर खाना भी खा सकते हैं। शिल्पा शेट्टी गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर साल अपने घर पर गणेश जी को ज़रूर लेकर आती हैं और अपने मंदिर में उनको सुंदर से सजाती भी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिल्पा के गार्डन में भी आर्ट वर्क किया गया है और उनके गार्डन में एक हाथ की मूर्ति बनी हुई है, जिसे नीचे बैठकर शिल्पा योगा भी करती हुई दिखाई देती हैं। वहीं राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर में घुसते ही गार्डन है, जिसमें हर किस्म के पौधे लगे हैं। परिवार अक्सर यहाँ क्वालिटी टाइम बिताता हुआ दिखाई देता है। लिविंग एरिया में पत्थर का बना हुआ एक घोड़ा है, जिसकी कीमत लाखों में है। वहीं पूजा के लिए मंदिर भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर में प्राइवेट जिम है, जिसके अंदर ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि अब राज कुंद्रा को इस आलीशान बंगले में नहीं बल्कि जेल में रहना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज कुंद्रा की हिरासत 23 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, 23 जुलाई तक वो पुलिस की हिरासत में रहेंगे और पुलिस के तीखे तीखे सवालों का जवाब भी देंगे। जी हाँ, और सारी वो बातें बताएंगे जो उन्होंने अब तक किए हैं। जी हाँ, 5 महीने से पुलिस इस केस में इन्वॉल्व थी और काफ़ी चीज़ें पता कर रही थी। अब पुलिस के पास बड़े सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें अब राज कुंद्रा की मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और हमें बात ये तब पता चलेगी जब 23 जुलाई को राज कुंद्रा को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या होता है, इसके बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो आपने देखी अब ये रिपोर्ट, आपने जाना शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर के बारे में। जी हाँ, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।